जय हिंद। आप देख रहे हैं ES Point YouTube चैनल को। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो कौन से ऐसे 10 गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी मार्क्स में कटौती होती है और मार्क्स घट जाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। एवरीबॉडी इज़ अ जीनियस। हमारे जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी आप लोग जीनियस हो अपने अपने फील्ड में। सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, बट नॉट एवरीवन इज अ परफेक्ट। सभी परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कमियां इंसान में होती है। राइटिंग विदाउट प्लान, देखो कॉपी में जो आंसर राइटिंग होती है ना उसका एक प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है और देखा जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर देने का प्रयास करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका डिफिनीशन देते हैं, देन मेन क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन राइटिंग प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और लिखने लग गया बस, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। इस पे वीडियो बना दिया है कि कैसे एग्ज़ाम में कॉपी लिखना है, वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। दूसरा पॉइंट जो आप गलतियां करते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं लोग, मतलब क्वेश्चन देखा, दो तीन शब्द पढ़ा और उनको क्वेश्चन मान लिया और उसी के बेसिस पे पूरा आंसर लिख दिया। अरे भाई पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए ना आप लोगों को, तब तो समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा आंसर लिख देना वो कोई सवासी वाली बात नहीं हुई, बेसिकली आपने क्या किया, आधे क्वेश्चन का ही आंसर दिया, पूरे क्वेश्चन को तो आपने आंसर दिया ही नहीं क्योंकि आपने आधा क्वेश्चन ही पढ़ा था, या फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन उसको समझा नहीं। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, आप पूछ रहा है कुछ, आप लिख रहे हैं कुछ, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। थर्ड पॉइंट, गेट स्टक ऑन टफ क्वेश्चंस। एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही पानी पानी हो जाते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में सोचने विचारने लगते हैं, कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। टफ क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में रखिए और आगे बढ़िए, उसको लास्ट में कर लेंगे। अब उसके बारे में सोचते रहना, उसमें स्टक हो जाना, रुके रहना उस पर, आपका टोटल टाइम ले जाएगा, टाइम वेस्ट करवाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में, उसका सही से इस्तेमाल करिए, टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं थर्ड पॉइंट को। अब अगला देखते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। इसमें मैं जानता हूँ बहुत अधिकांश लड़कों का स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर होता होगा, इंग्लिश में खास करके, हिंदी में खास करके, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट हैं जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर स्पेलिंग वाले सब्जेक्ट भी हैं ये दोनों, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर जितना कम हो सके करना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो एंड पाई चार्ट एंड डायग्राम। आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है एंड सो ऑन, तो आपको डायग्राम बनाने चाहिए। अगर क्वेश्चन में डायग्राम की नीड है, वहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाना भी अपने आप में एक ड्रॉबैक है और आपके नंबर जो अच्छे आने चाहिए वो खराब आते हैं, तो डायग्राम जरूरी है। और अदर सब्जेक्ट्स में जिनमें डायग्राम नहीं होती है, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड ऑन, तो उसमें फ्लो चार्ट पाई चार्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है, आंसर को दिखाने के लिए। फ्लो चार्ट मतलब आप जो भी आंसर दे रहे हो उस आंसर को एकदम शॉर्ट में दिखाना, उस चार्ट में दिखाना, तो उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉपी चेक करने वाले पे और आपका नंबर इमिडिएटली अच्छा हो जाता है। तो ये सारी पॉइंट्स ध्यान रखना है। देन चेक बिफोर सबमिटिंग। अब ना जाने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है किस बात की जल्दीबाजी होती है, मतलब लिखते हैं और जमा करने लग जाते हैं और देखते भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन हमने बाद के लिए छोड़ा था वो सभी किया है कि नहीं, कितना हमने लिखा है। तो ये सभी चीज़ें मिलाना चाहिए एक बार कॉपी को सबमिट करने से पहले कि हाँ हमने सब बनाया है कि नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक है, आप में से बहुत सारे लड़के ये मिस्टेक्स करते होंगे। टोटल 10 मिस्टेक्स हैं, 10 मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक आपका जरूर मैच करता होगा, देखना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इजी क्वेश्चंस इन लास्ट। हार्ड क्वेश्चन पे स्टक हो जाना एंड इजी क्वेश्चन को
सोचते हैं कि ये तो हमको आता ही है यार, इसको लास्ट में देख लेंगे, पहले जो नहीं आ रहा है उसको ख़त्म तो कर ले, इजी क्वेश्चन तो 2 मिनट का खेल है। इस तरह का जो थिंकिंग है ना आपको ले डूबेगा। तो इजी क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहले उसको निपटाओ और बना लो, और जो नहीं आते हैं उसको लास्ट में देखना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, टेकिंग टू मेनी ब्रेक्स। बहुत सारे लड़के थक जाते हैं लिखते लिखते लिखते, या फिर बहुत सारे लड़कों को देखते होंगे टॉयलेट लग जाता है, पानी पी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पानी पीना नॉर्मल है, बहुत सारे एग्जाम में तो पानी अलाउ भी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा ब्रेक लेना लिखने के समय आपका, मान लिया जाए 5 मिनट का 3 ब्रेक ले लिया, 15 मिनट आपका चल गया, तो ब्रेक ज़्यादा नहीं लिया करो। 9 पॉइंट, अवॉइड बैड हैंड राइटिंग। सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आपका हैंड राइटिंग ख़राब है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम सुंदर लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि लगे पढ़ने वाले पढ़ ले। चाइनीज़ भाषा में मत लिख के आना। तो इम्प्रूव योर बैड हैंड राइटिंग अगर आप कर सकते हैं तो, इफ़ पॉसिबल। लास्ट, फॉरगोट टू वॉच द टाइम। देखो बहुत सारे लड़के घड़ी तो लेके जाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ आपके एग्जाम हॉल में दीवार पे घड़ी जरूर होती है, या सर पहने हुए होते हैं वॉच, तो उनसे भी आप टाइम पूछ सकते हैं सर से। तो टाइम का, टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर नहीं होगा, आप टाइम नहीं देखेंगे। अब कोई एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, उसी को बनाने में लगे हुए हैं 4 पेज 3 पेज 5 पेज, और बाकी सब क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे आपकी कोई एक्स है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट होने चाहिए, सभी क्वेश्चन को इक्वली टाइम दो, जैसा नीड है उस अकॉर्डिंग टाइम दो, और सारे क्वेश्चन बनाओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो ये है, एंड लास्ट में बोनस टिप देना चाहूँगा, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ये हमारा फ़र्ज बनता है। देखो एग्ज़ाम में जाते होंगे तो बहुत सारे लड़कों को ऐसा पाते होंगे कि वो हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करना उनको पसंद होता है एग्ज़ाम में। पहले अपने का पता नहीं, पहले अपने का पता नहीं, दूसरों का हेल्प करेंगे। पहले खुद तो लिख लो भाई, सारे क्वेश्चन A to Z तो बना लो, तब दूसरों का हेल्प करना। नहीं, एक क्वेश्चन लिखा लो, तुम भी देख के लिख लो। इस तरीके का चीटिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं उनका टाइम टोटली वेस्ट होता है, आधा घंटा से ज़्यादा टाइम वो लोग तो यही सब में वेस्ट कर देते हैं, छापने और छपाने में, ठीक है। तो हेल्प करो, लेकिन सबसे पहले अपना A to Z क्वेश्चन बना लो, लास्ट के 10-15 मिनट बच जाता है तो हेल्प कर दो बगल वालों का। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपसे ज़्यादा आप जिसको हेल्प कर रहे हैं उसको नंबर आएगा। तो ध्यान से हेल्पिंग वाला थोड़ा सा सिस्टम बदलो, और ज़्यादातर लड़की को देख करके तुम हेल्प कर रहे हो तो तुम गलत लाइन में जा रहे हो भाई, ठीक है। लड़की हो या लड़का इक्वल ही समझो, काम कर लो उसके बाद हेल्प करो। देन राइटिंग प्रैक्टिस ना होना, एग्ज़ाम जब भी देने जाओ एग्ज़ाम से पहले राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में, लिखा नहीं जाता है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत होना कि हमको ये सब चीज़ आता है, रिविज़न इज मस्ट, रिविज़न करते रहना चीज़ों को। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आपको लगता है कि सब आता है आपको, लेकिन एग्ज़ाम में वो चीज़ें दिमाग से एकदम गायब हो जाती है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कभी। और एग्ज़ाम से पहले एक दिन अच्छे नींद लो, क्योंकि फ्रेशनेस चाहिए होता है, फ्रेश होकर के एग्ज़ाम में जाएंगे, फ्रेश माइंड होगा, फ्रेश आंसर आएगा, रात भर जग के पढ़ेंगे, एकदम नींद भी आएगा एग्ज़ाम हॉल में, और लिखने का मन भी नहीं करेगा। तो फ्रेशनेस होना चाहिए, स्लीप लो अच्छे से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो हेल्पफुल लगा है तो थोड़ा प्यार दिखाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।